हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और दोस्तों सालू की तबीयत खराब है थोड़ी सी, लेकिन तब भी खाना बना रही है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर खाना नहीं बनाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे। लेकिन थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसकी कल दिन में, लेकिन रात में काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने इसको बोला था कि रेस्ट कर ले तू, लेकिन रेस्ट नहीं कर रही है, तब भी खाना बनाने में लगी हुई है। और अभी बोल रही है कि मैं कपड़े भी धोऊंगी, तो मैंने इसको बोल दिया तेरे को कपड़े वपड़े कुछ नहीं धोना है, तेरे को बस आराम करना है। लेकिन ये मानती नहीं है दोस्तों मेरी बात, और देखो अभी खाना बनाने में लग गई है। दोस्तों ये देख सकते हो, निश्चल सोफे पे लेट के ना टीवी देख रहा है, अपना फेवरेट कार्टून देख रहा है, और इसकी दादी बैठी हुई है, बोल रहा है जल्दी से मम्मी नाश्ता ला के दो, मैं कार्टून देखते देखते बिल्कुल नाश्ता करूंगा। तो इसकी मम्मी तो बना रही है नाश्ता इसके लिए। और दोस्तों ये अभी अभी थोड़ी देर पहले गाजर का हलवा भी खाया था, ठीक है ना, जो हम लोगों ने बनाया था रात में। तो ये बहुत ज़्यादा खुश है, और ये बोला था आज मैं ट्यूशन की छुट्टी करूंगा। बेटा ट्यूशन की छुट्टी नहीं करनी है, ठंड है तो ट्यूशन की छुट्टी नहीं करनी है तेरे को। जाएगा ना पक्का? हाँ। तो दोस्तों ये बोल रहा है मैं जाऊंगा ट्यूशन, लेकिन तेरे को हर रोज जाना है। अगर तेरे को ठंड लग रही है तो जैकेट पहन के जा तू, ठीक है? मेरी तो छोटी होगी साथ जैकेट। छोटी होगी तेरी जैकेट? हाँ, मैं जाऊंगा ये ट्यूशन। ये कौन सी बात होती है भाई, नहीं जाएगा ट्यूशन? ठीक है, मैं तेरे लिए नया जैकेट लेके ला दूंगा तेरे को, ठीक है, मार्केट से, तब तू चले जियो, लेकिन ट्यूशन जाना है। और दोस्तों ये देखिए, निश्चल का ब्रेकफास्ट आ गया है, आलू टमाटर की सब्जी है और रोटी है। दोस्तों इसको बहुत पसंद है, लेकिन ये रोटी में घी लगा के खाता है दोस्तों, कसम से। ये बोलता है मक्खन लगा के दो रोटी मेरे को खाने के लिए। तो इसका नाश्ता आ गया, और इसकी दादी थोड़ा नाश्ता का वेट कर रही है। और दोस्तों ये देखिए, मम्मी का भी नाश्ता आ गया है। तो ये मम्मी की भी फेवरेट सब्जी है, आलू टमाटर की सब्जी, बिल्कुल जीरे का तड़का लगता है इसके अंदर और लाल मिर्च का, तो बहुत अच्छी लगता है। सालू को मम्मी ने बताया था कि अभी तड़का लगा देना। और ये दोस्तों मम्मी का पानी भी आ गया, और निचल देखो यहाँ पे खा रहा है, नीचे में खाना खा रहा है, दादी ऊपर में सोफे पे खा रही है और निचल नीचे में खाना खा रहा है। दोस्तों मैं इसको बोल रहा हूँ मैं रोटी बना देता हूँ, लेकिन मेरे को रोटी नहीं बनाने दे रही है। इसलिए नहीं बनाने दे रही है क्योंकि मेरे को रोटी अच्छी तरह से बनाना नहीं आता है। बस रोटी के सिवाय दोस्तों मैं हर खाना बना लेता हूँ घर में, कसम से दोस्तों, सच्ची में। मेरे को तो खाना बनाने क्यों नहीं दे रही है? ये दोस्तों कितनी भी बीमार रहती है, घर का सारा काम करती है, कसम से। ये कभी रेस्ट नहीं करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी बोली कपड़ा धोऊंगी मैं, ये बिल्कुल इसको ठंड से मतलब नहीं है। देखो अभी भी खांसी हो रही है, आप देख सकते हो इसको कितनी खांसी हो रही है, सच्ची में। और दोस्तों ये देखिए, मेरा भी नाश्ता आ गया है, आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और हरी मिर्च। दोस्तों मैं हरी मिर्च खाता ही हूँ, क्योंकि मैं बिना हरी मिर्च का कोई भी खाना नहीं खाता। दोस्तों आज मजा आने वाला, ठंड में आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और हरी मिर्च, कसम से। दोस्तों ये देखिए, हम लोगों को नाश्ता करवा दिया सालू ने, और खुद लास्ट में नाश्ता कर रही है। दोस्तों ये सबसे लास्ट में ही खाना खाती है, पहले हम परिवार वालों को खाना खिला देती है, उसके बाद ये खाना खाती है। दोस्तों यही तो होता है असली प्यार, कसम से, सच्ची में। दोस्तों ये देखिए, निश्चल गाजर का हलवा खा रहा है जो बना था, और देखो ये मैं मांगूंगा तो मेरे को नहीं देगा। निश्चल मेरे को दे दे गाजर का हलवा खाने के लिए। ये देखो कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों इसका सबसे फेवरेट है गाजर का हलवा, इसको कितना भी आप गाजर का हलवा दे दो खा जाएगा ये, और अपने हिस्से में से किसी को गाजर का हलवा देता नहीं है। अरे दे दे निश्चल, अरे दे दे भाई। ये देखो कुछ बोल नहीं रहा है और खा रहा है गाजर का हलवा, कसम से। और दोस्तों ये देखिए, सालू आ गई है नाश्ता करने के लिए, कसम से। और देखो मैंने इसको बोला था तू भी गाजर का हलवा खा ले, तो ये इसको गाजर का हलवा पसंद नहीं है। दोस्तों इसको मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शादी से पहले बहुत मीठा खाती थी, लेकिन ये अब नहीं खाती है मीठा। अबे खा ले थोड़ा सा गाजर का हलवा। ये देखो ये बोलती है ना, मैं थोड़ा गाजर का हलवा खाती हूँ ना तो मेरा सर दुखने लगता है, तो इसलिए गाजर का हलवा नहीं खाती है। निश्चल को देखिए, गाजर का हलवा खा के लेट गया है और बोल रहा है कि पापा आज तो पढ़ाई में करूंगा नहीं, ना ट्यूशन जाऊंगा, और कार्टून देखने में लगा हुआ है। सारी होमवर्क कर लिया? तू तो अभी बोल रहा था कि पापा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कार्टून देखूंगा। कर लिया जल्दी जल्दी, जल्दी कर लिया। अच्छा तेरे को होमवर्क करना अच्छा लगता है कि गाजर का हलवा खाना अच्छा लगता है? दोनों पसंद है। तू किसी को देता नहीं अपना गाजर का हलवा। दोस्तों ये देख सकते हो कि मौसम कैसा हो रहा है। दोस्तों देखो कुहासा छाया हुआ है, और बिल्कुल आज धूप नहीं निकली है, तो बहुत ज्यादा ठंड है दोस्तों, कसम से, सच्ची में। तो आज मम्मी जब धूप निकलती है ना, तब मम्मी पार्क जाती है निश्चल को लेके, तो आज मम्मी जा भी नहीं पाएगी पार्क, क्योंकि आप देख सकते हो कि पीछे में कितना कुहासा लगा हुआ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, कसम से। लेकिन दोस्तों ठंड के मौसम में मज़ा आ जाता है, कसम से, जब गर्मा गर्म खाने को मिलता है ना, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, तो दोस्तों उसका मज़ा ही कुछ और होता है, सच्ची में। और दोस्तों ये देखिए सालू को, इसको रात भर खांसी हो रही थी, अभी देखो पानी छोड़ी है, ठंडा पानी छोड़ी है, और पूरी किचन की सफाई करेगी अभी। मैंने इसको बोला था कि नहीं छूने के लिए, भाई तो क्यों छोड़ी है इतना पानी, जब तेरे को पता है तेरे को प्रॉब्लम है।
कौन करेगा। अभी देखो ये बेसिन को बिल्कुल ही धो रही है। अबे तो बेसिन एक दिन ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, तू बात क्यों नहीं मानती है, हद हो गई। दोस्तों किसी की बात नहीं मानती सच्ची में, जो इसका मर्जी होता है वही करती है कसम से। और देख सकते हो अभी ये पूरा का पूरा सिलप को धोएगी, साफ करेगी सब चीज। और दोस्तों ये देखिए निचल सो के देख रहा है रजाई में कार्टून, और मेरे को बोल रहा है पापा कार्टून में गाने आ रहे हैं ना, आप डांस करके दिखाओ। और ये बोल रहा है पापा जल्दी से डांस करो। बेटा मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, ये देखो तू करके दिखा दे डांस, रजाई में से तो निकल नहीं रहा तू, है ठंड में रजाई में है, तू कर ले डांस। अबे मैं क्यों करूँ डांस, हद है यार भाई, तू तो कर ले डांस, थोड़ा सा डांस करके तो दिखा, डांसिंग तू अच्छा करता है ना कि मैं। ये देखो दोस्तों निश्चल करेगा डांस, और सालू भी देखेगी इसकी डांस को, ये देखो कसम से सच्ची में। और ओए होए क्या बात है, ये देखिए अब सालू का जितना भी किचन का काम था वो सब खत्म हो गया, और अब जाके बैठी है, खाना खिला दिया, खुद भी खाना खा ली, किचन की सफाई कर ली सारी चीज। अब बोल लिया कि मेरे को थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, मेरे को उल्टी जैसा मन कर रहा है। अब दोस्तों देखो मैंने तो इसको सुबह में बोल दिया था कि काम करने के लिए कि मैं सारा काम कर देता हूँ, किचन का खाना बना देता हूँ, कपड़े धो देता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी काम घर का करने नहीं देती कसम से। और अभी जब तबीयत खराब होती फिर बोलती है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अबे तो क्या है, है? ये देखो नहीं हो रहा, अभी देख सकते हो कि कितनी ये तबीयत खराब हो चुकी थी सच्ची में कसम से। ये देखो दोस्तों पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहा है, और मेरे को और सालू को टीवी देखने नहीं दे रहा, बोला नहीं पापा मेरा कार्टून आ रहा है मैं कार्टून देखूंगा। दोस्तों दिन भर कार्टून देखता रहता है कसम से, इसका जो फेवरेट कार्टून है मासा एंड द बैड है वो देखता रहता है। और मैंने बोला बेटा थोड़ा सा मेरे को भी दे दे रिमोट, मैं भी थोड़ा सा देख लेता हूँ मेरे फेवरेट शो, तो बोला नहीं मैं नहीं देखने दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, आप बाद में देखना टीवी, आप बाद में देखना नाटक। और दोस्तों ये देख सकते हो सालू की तबीयत खराब होने के बावजूद भी इसने किचन को कितना अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लीनिंग, हमेशा सालू का किचन क्लीन रहता है। कि जब तक किचन में थोड़ी सी गंदगी रहती है ना दोस्तों इसका दिल नहीं लगता कसम से सच्ची में। मैं इसको बोला था कि मैं सफाई कर देता हूँ लेकिन मानती नहीं है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं सच्ची में कसम से। दोस्तों सालू तो ऐसी है जो हमेशा साथ देती है, चाहे एक बीमार हो या ना हो, प्यार हो तो ऐसा जो हमेशा साथ दे कसम से सच्ची में। जो इसने प्रॉमिस किया था शादी से पहले मैं हमेशा साथ दूंगी, वो साथ दे रही है। इसकी तबीयत कितनी भी खराब हो जाए लेकिन ये घर का सारा काम करती है कसम से। मैं बोलता हूँ मैं कर देता हूँ घर का काम लेकिन ये घर का काम नहीं करने देती है कसम से सच्ची में। और दोस्तों ये दिन भर काम करती रहती है, बहुत ही कम रेस्ट करती है। तो यही चीज है कि प्यार वही होता है जो आपका हमेशा साथ दे, चाहे कुछ भी हो जाए कसम से दोस्तों सच्ची में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।